इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के सभी यहां नेता और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बीजेपी की सरकार रही। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भुखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे, तब जा करके जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोर भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई और महागठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि
डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोर तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता, बिहार की जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायक समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे, नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोर भाग गुना हुआ, तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में, रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से को इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें इलेक्शन कमीशन का, कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का, इलेक्शन कमीशन का। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 54A ऑफ CE रूल्स 1961, द पोस्टल बैलेट शैल बी टेकन अप फॉर काउंटिंग फर्स्ट एट द रिटर्निंग ऑफिसर्स टेबल।
मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, साफ तौर पे इसमें लिखा है। और अंडर द लॉ रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961, द पोस्टल बैलेट पेपर्स आर टू बी काउंटेड फर्स्ट। इट इज क्लैरिफाइड फर्दर दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू वेट फॉर द काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन ईवीएम स्टार्ट्स। मतलब आपको जरूरी नहीं आप इंतजार कर सके, आपको प्रक्रिया जो है समांतरण शुरू कर देनी चाहिए वोटों की, पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का है। आफ्टर अ गैप ऑफ 30 मिनट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर द काउंटिंग वोट्स ऑफ ईवीएम कैन स्टार्ट। 30 मिनट के बाद आप ईवीएम की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते। काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर शैल बी डन एट रिटर्निंग ऑफिसर्स टेबल। ऑल पोस्टल बैलेट पेपर्स रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम हर। ओनली सच पोस्टल बैलेट पेपर्स आर एज आर रिसीव्ड बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ द काउंटिंग शैल बी काउंटेड। तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ईवीएम के ही करिए, आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट कीजिए, उसके 30 मिनट बाद आप ईवीएम की गिनती चालू कर सकते हैं। एक और है 15 पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखिएगा। इन केस द विक्ट्री मार्जिन इज लेस देन टोटल नंबर्स ऑफ पोस्टल बैलेट रिसीव्ड, देन देयर शुड बी अ मैंडेटरी रीवेरिफिकेशन ऑफ ऑल पोस्टल बैलेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर एंड द आरओ। ऑल द पोस्टल बैलेट्स रिजेक्टेड एज इनवैलिड एज वेल पोस्टल वोट्स काउंटेड इन फेवर ऑफ ईच and every candidate shall once again be verified and tallied. The observer and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot, and the video cassettes CD should be sealed in a separate एनवलप फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी भी, जितना वीडियोग्राफ्ट है कैसेट्स है, इन सब को सील करके रखा जाए। और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को यह अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सैटिस्फाई करना है, यू हैव टू सैटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स वेदर इफ दे हैव डाउट्स, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728, मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,56,88,458 जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है
वो 37.2 हमें मिले, 37.2 और एनडीए को बोले 37.3, यानी एक पॉइंट का अंतर है, 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है, ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है, जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं, यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया, और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया, पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से, लगभग 20 सीटों को हराया गया, ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है, चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हटियाना चाहते हैं सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताएं, मेरा सवाल है। अब बाद में हुआ है तो किसकी गलती है? बस इतना सा मामूली सा सिंपल आंसर हम जानना चाहते हैं कि आप जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर, इस पे साफ तौर पे लिखा है, बताएं अगर काउंटिंग कराने में क्यों नहीं करा रहे भाई? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल रहा, 11 बजे, मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन
जहां हम जीत रहे थे वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया, जब रद्दी करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी करना है तो आप वोट क्यों कराते हैं, काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? या तो रिकाउंटिंग कराइए, आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए हम सबूत कहां से लाए, ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है, मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता, ना किसी को प्रवेश किया करने दिया जाता है, हमको तो छोड़ दिए, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला, कहां से लाए सबूत? सबूत तो वहीं से आएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की, बैलेट इनवैलिड जो क्यों निकाल के दिखाओ ना जनता को, क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि फिर से पूर्ण मतदान करें? चुनाव आयोग के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना, लोकतंत्र में आप 900 वोट पोस्टल बैलेट का रद्द कर दीजिएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो भी एजुकेटेड जागरूक वोटर्स का जो सर्विस में है, उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और लोकतंत्र कैसे बचे? और एक वोट से हार भी होती है जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहां चला गया, तीसरे नंबर पर, अब तक सामने नहीं आए, फिर क्वारंटाइन हो गया, फिर क्वारंटाइन हो गया। अरे भैया अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया, अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली का अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए, काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी, अंतरात्मा जगाइए। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा, भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है, और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया है, वो भी तो किसी के दबाव पे काम कर,